नल दिलीप टेक रिसर्च सेंटर एंड इन दिस वीडियो आई विल कवर नोटपैड। सो गाइस, हम आपको बता दें कि ये टेक्निकल चैनल है और इस पे फ्री में आपको कंप्यूटर का सारे नॉलेज दिया जाएगा। सो आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ नोटपैड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ ये विंडोज 10 है, ठीक है, विंडोज 10 है, इसलिए मैं आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करके और डायरेक्टली यहाँ से सर्च करके नोटपैड ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं नोटपैड। जैसे नोटपैड हम इस पे टाइप किए, यहाँ पे आ गया नोटपैड, देख सकते हैं नोटपैड आ गया। आप इस प्रकार भी स्टार्ट कर सकते हैं या भी दूसरे तरीका होता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा विंडोज का आइकन, ठीक है, सेम आपके कीबोर्ड या जो लैपटॉप या पीसी के जो कीपैड है उस पे देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करना है और साथ में आर को भी प्रेस करना है, ठीक है। जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पे सर्च करने के लिए आएंगे, जैसे कि नोटपैड सर्च करना है, नोटपैड यहाँ पे टाइप करना होगा, यहाँ से हम ओके पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार भी नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो दो तरीके होते हैं नोटपैड स्टार्ट करने का। तो चलिए हम नोटपैड ओपन करते हैं, यहाँ से कर लिए। अब देखिए नोटपैड में क्या करते हैं, नोटपैड होता क्या है सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ से देख सकते हैं नोटपैड एक क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हम कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट वगैरह को हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन लेटर हो गया, नोटिस हो सकता है या कोई दूसरा वर्क हो सकता है। ये जो नोट पेड है इसका दूसरा नाम यहाँ देख सकते हैं, इट्स सेकेंडरी नेम, यहाँ पे देख सकते हैं TXT, नोटपैड का दूसरा नाम है, सेकेंडरी नाम है। आपको कोई भी इंटरव्यू में पूछ सकता है या कोई भी चालाक बंदे पूछ सकता है कि नोटपैड का सेकेंडरी नाम क्या है, सेकेंडरी नेम क्या है, तो आप इजीली बता सकते हैं TXT होता है। कोई भी फाइल जैसे हम सेव करेंगे ना, ये TXT एक्सटेंशन से सेव होगा, लास्ट में TXT लग जाएगा जो भी फाइल आप नोटपैड के थ्रू सेव करते हैं। तो आप समझ गए होंगे नोटपैड क्या होता है। नोटपैड में ज़्यादा फॉर्मेटिंग करने को ऑप्शन मिलता ही नहीं है। फॉर्मेटिंग कहने का मतलब जैसे हो गया, ज़्यादा कलर नहीं कर सकते हैं, पिक्चर वगैरह नहीं ले सकते हैं, फॉर्मेटिंग का मतलब यही होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नोटपैड स्टार्ट करने का तरीका आपको बता दिए हैं। अगर आप अच्छे तरीक़ा से सीखना चाहते हैं, इसे नोट भी करना चाहते हैं, तो आप पेन कॉपी लेके बैठ जाएं और बारी बारी से जितने कुछ इसमें हम बताएंगे आप उसे पहले नोट करते चलेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम फाइल पे जाते हैं और न्यू का ऑप्शन आता है। तो हम सबसे पहले न्यू हम देखेंगे कि न्यू का काम क्या है, इसे हम क्यों सीखते हैं नोटपैड में। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम कोई वर्क कर रहे हैं नोटपैड में, वहां पर हमको एक नया पेज लेना है, नया पेज लेना है, तो आप वहां पे न्यू पे जाके नया पेज ले सकते हैं। इसमें पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंज टू, इसमें पूछ रहा है कि जो पहले वाले खोल रखे हैं उसको आप चेंज करना चाहते हैं कुछ। हम यहां पे डोंट सेव करते हैं, यहां से हट गया, ये नया पेज आ गया। तो न्यू का यही काम वर्क होता है, क्या समझे, यहाँ से नया का यही काम होता है आपको एक नया पेज लेने के लिए। आगे आता है न्यू विंडोज। देखिए नया पेज और न्यू विंडोज में क्या अंतर है, जैसे कि हम नया पेज लेंगे तो ये जो पहले वाला है, ठीक है, उससे आपको एग्जिट होना पड़ेगा, ठीक है, और नया विंडोज लेंगे ना तो ये तो विंडोज रहेगा ही, फिर से नया विंडोज ओपन हो जाएगा। जैसे कि हम नया विंडोज लेते हैं, ठीक, तो यहाँ देखिए इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको ड्रैग करते हुए इधर ले आते हैं, आपको पता चलेंगे। देखिए पहले वाला है और दूसरा वाला विंडोज भी ओपन हो गया, लेकिन ये क्या होता है, ये न्यू में ऐसा नहीं होता है। तो न्यू विंडोज का ये दूसरा तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ओपन, जैसे कि हम कोई वर्क कर रहे हैं, चलिए यहाँ से हम देखते हैं ओपन का। जैसे यहाँ पे हम कोई वर्क कर रहे हैं, इसमें हम कोई काम कर रहे हैं और हम यहाँ पे दूसरा फाइल ओपन करना चाहते हैं जो हम नोटपैड से पहले टाइप करके इसमें हम सेव कर रखे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, उससे पहले हम आपको यहाँ पे कुछ देना चाहते हैं, जैसे फाइल ओपन है तो आपको देते हैं, आप पहले ये नोट कर ले, आप इसे नोट कर ले, नोट कर ले, ये फाइल प्लस ओपन का है। आपको सेम टू सेम जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह में सिखाया जाता है मेरे चैनल पे वैसे मिलेंगे। सबसे पहले आपको ये नोट्स मिलेंगे, उसके बाद आप इसे नोट कर लें इजीली आराम से, उसके बाद हम बताएंगे, आप स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है कोई भी फाइल को ओपन करने का, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन फाइल, फाइल यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक ऑन ओपन, ओपन का ऑप्शन मिलेगा, ओपन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जैसे हम यहाँ पे दिखाते हैं, अगर आप इसे टाइप कर लिए हो तो हम दिखाते हैं, क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन ओपन, ठीक है, आपको जगह चुनना है जहाँ आप सेव कर रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे सेव कर रखे हैं इस नाम से,
तो यहाँ पे गया, उसके बाद यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया, या फिर आप इसे हटा के आप डायरेक्ट नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरा दिख रहा है, यहाँ से ओपन कर लिए, यहाँ से ही मेरा ओपन हो गया। तो ओपन करने का यही तरीका होता है, आप जो फाइल ओपन करना चाहते हैं उसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फाइल में दूसरा तीसरा ऑप्शन आता है सेव। जैसे हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लिए, यहाँ पे हम कुछ और टाइप कर लिए, इसे हम सेव करना चाहते हैं, इसे सेव करना चाहते हैं, इसके लिए आपको ये नोट करना होगा, ये आपको नोट करना होगा। चलिए आप इसे नोट कर लें, आप इसे नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट इसे आप ले सकते हैं। ये स्टेप है किसी भी फाइल को सेव करने का। सबसे पहले आपको क्लिक ऑन फाइल करना पड़ेगा, फिर सेव करना पड़ेगा, जगह चुनना पड़ेगा, उसमें आपको नाम एडिट करना पड़ेगा। चलिए आप लिख लिए तो हम सेव करके दिखाते हैं। चलिए इसे हम सेव करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव पे जाएंगे। 1 मिनट, ये हम फाइल पहले से सेव कर रखे हैं इसीलिए ये दोबारा सेव नहीं होगा, सेव एज होगा। तो हम नया लेते हैं, एक नया पेज लेते हैं, न्यू पेज लिए, 1 मिनट 1 मिनट, न्यू विंडोज ले लेते हैं। और यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, कुछ हम यहाँ पे टाइप कर लिए और इसे सेव करना चाहते हैं तो क्लिक ऑन फाइल, फाइल पे क्लिक करने के बाद सेव पे क्लिक करना है। सेव पे जैसे क्लिक करेंगे आपको जगह चुनने का ऑप्शन आएगा, डेस्कटॉप पे आप सेव करना चाहते हैं। डेस्कटॉप नहीं समझते हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से हम कैंसिल करके इसे मिनिमाइज करके, ये है डेस्कटॉप, इस पर आप सेव करना चाहते हैं। जैसे कि ये सॉफ्टवेयर है, इसे सेव करना चाहते हैं, इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और फाइल पे क्लिक करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप चुनना होगा जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं। हम डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं, डेस्कटॉप चुनेंगे और यहाँ से फाइल का नाम देना चाहते हैं, फाइल देंगे, यहाँ से हम डी के दे देते हैं और यहाँ से सेव कर लेते हैं। आपको हम दिखा देते हैं डेस्कटॉप पे हुआ कि नहीं, देख सकते हैं डेस्कटॉप पे ये सेव हो गया। इस प्रकार आप किसी भी फाइल को जहाँ आपका मर्जी है आप सेव कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेव हो गया, सेव एज, देखिए इसे हम सेव एज कर सकते हैं। यहाँ से ये ले लेते हैं, जैसे कि आप कोई फाइल वगैरह इसमें सेव कर रखे हैं और उसको कुछ एडिट करके आप उसे फिर से सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज कर सकते हैं। चलिए इसमें कुछ चेंज कर देते हैं, लाइक यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, कुछ भी हम दे देते हैं और इसे सेव करना चाहते हैं। सेव तो होगा नहीं, सेव एज होगा, सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज के लिए आप सबसे पहले ये नोट कर लें, सेव एज के लिए आपको नोट करना होगा, ये नोट कर लें, यहाँ से आप ये नोट कर लें, ये सारे चीज देख रहे हैं, आप यहाँ से नोट कर लें, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे हम सेव एज करते हैं। शुरू से आपको हम दिखा देते हैं, फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे जाएंगे। सेव एज पे जाने के बाद आपको जगह चूज करना है, उसके बाद पहले वाला जो नाम इस पे पहले से जो जिस नाम से सेव था उसको क्या करना है, इरेज करना है। इरेज कर लेते हैं, उस नाम से सेव होगा नहीं तो इसी में हम कुछ जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आता है, सेव एज के बाद पेज सेटअप आता है। पेज सेटअप में सबसे पहले क्लिक करते हैं, जैसे आपको प्रिंट करना है, जैसे हम ये टाइप कर लिए, ये सारे हम टाइप कर लिए, इसे हमको प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेज हमको सेटअप करना होगा। पेज सेटअप पे क्लिक किए, यहाँ से देखिए पोर्ट्रेट मोड, ये जो मेरा पीसी का जो ये स्क्रीन है ये लैंडस्केप मोड में है, ये हो गया पोर्ट्रेट मोड में। जैसे कि आप मोबाइल यूज करते रहते हैं कभी कभी वो पोर्ट्रेट मोड में रहता है, मूवी देखते हैं उसके बाद ऐसे वर्टिकल रख देते हैं तो हो जाता है लैंडस्केप मोड में। उसके बाद आप लेफ्ट में कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, राइट में कितना छोड़ना चाहते हैं, हेडर फुटर में कितना, ये हेडर होता है फुटर होता है, राइट हो गया लेफ्ट हो गया, आप कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं आपको यहाँ पे दिखा गया है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे साइज दिया हुआ है, जैसे लेटर का हो गया, ये लेटर हो गया, हम लोग A4 साइज निकालते हैं, A4 साइज पे क्लिक करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद
पेज सेटअप तो हो गया, आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट करना चाहते हैं शॉर्टकट मेथड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे इसको हमको प्रिंट करना है, फाइल पे जाएंगे, उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे जो प्रिंटर है, ये सारे प्रिंटर हैं आपको जो कनेक्टेड है आपके पीसी से, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। कितना कॉपी निकालना चाहते हैं, कौन सा पेज नंबर निकालना चाहते हैं, ये सब आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ से कितना कॉपी निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, अप्लाई करके उसके बाद प्रिंट कर देना है तो आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट से जैसे बाहर निकलना है तो आपको एस्केप की को प्रेस करना होगा, आप प्रिंट से बाहर निकल जाएंगे। तो फाइल के अंदर आप इतना कुछ देख लिए, जैसे हमको यहाँ एग्जिट का दिख रहा है, जैसे नोटपैड से हमको एग्जिट होना है, नोटपैड से हमको एग्जिट होना है, लाइक इसे हम ओपन कर लेते हैं, इससे हमको एग्जिट होना है। तो यहाँ से क्लिक करेंगे, फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद एग्जिट पे क्लिक करेंगे, इससे एग्जिट हो जाएंगे। इसके लिए आप यहाँ से स्टेप लिख लें, एग्जिट होने के लिए आप यहाँ से स्टेप लिख लें, यहाँ से एग्जिट होने के लिए शॉर्टकट मेथड यहाँ पे अल्ट एफ फोर को प्रेस करेंगे तब पर भी यहाँ नोटपेड से एग्जिट हो सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यह कमांड यूज किया जाता है क्यूट या एग्जिट फ्रॉम नोटपेड, नोटपेड से बाहर होने के लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं। तो आप फाइल के अंदर जितने भी था आप सारे सीख गए होंगे और नोट कर लिए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, एडिट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। एडिट में सबसे पहला ऑप्शन आता है अंडो का। अंडो कहने का मतलब वन स्टेप बैक जाए या फिर वन स्टेप नेक्स्ट जाए। इसके लिए जैसे कि यहाँ पे हम जैसे कि इसमें हम काम करते हैं, इसमें हम काम करते हैं, जैसे इसको हम इरेज कर दिए, इसको हम इरेज कर दिए, अब इसे हम लाना चाहते हैं। लाने के लिए क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाने के बाद अंडो पे क्लिक करेंगे, ये फिर से आ गया देखिए, और फिर एडिट पे जाएंगे, फिर अंडो करेंगे तो ये हट जाएगा। क्या बोले, वन स्टेप बैक और वन स्टेप नेक्स्ट, इससे होता है। इसका शॉर्टकट मेथड होता है कंट्रोल प्लस जेड से भी आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद ऑप्शन आता है कट का, जैसे इसके लिए आपको यहाँ पे दे देते हैं हम लिखने के लिए स्टेप, आप लिख लें, यहाँ से एग्जिट हो गया, यहाँ से आप ये नोट कर ले, यहाँ से आप नोट कर ले, एडिट अंडो के लिए ये कमांड यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप नोट कर लिए होंगे या फिर स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे आता है कट का ऑप्शन। कट और कॉपी सेम होता है, दिखाते हैं। जैसे कि हमको ये कट करना है, यहाँ से यहाँ इतना ले लेते हैं, बैक ले लेते हैं, बैक वाला हम सिलेक्ट कर लिए, इसे हम को कट करना है। तो सिंपली सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्या करना है, कट करना है। कट जैसे करेंगे ये कट हो गया, आप कट किए तो इसे हम पेस्ट भी कहीं कर सकते हैं, लाइक यहीं पे हम पेस्ट करना चाहते हैं या फिर यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे यहाँ कर लेते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ से पेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पेस्ट हो जाएगा। और यदि आप शॉर्टकट मेथड यूज करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस भी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पेस्ट हो गया, यहीं पे हम फिर से कर लेते हैं, यहाँ एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाने के बाद यहाँ पेस्ट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट हो गया। तो इसको थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो नोट करने में। अगला स्टेप है कॉपी। जैसे कि इंस्ट्रक्शन को हम कॉपी कर लिए, कट में क्या था, कट करते थे तो पेस्ट तो होता था लेकिन वहां से वो कट हो जाता था, लेकिन कॉपी में क्या होता है, कॉपी होगा तो वो तो रहेगा ही, फिर पेस्ट करेंगे दूसरे जगह तो दूसरे जगह भी होगा। तो इसे हम कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कॉपी पे क्लिक करेंगे, या शॉर्टकट मेथड आप यहाँ से यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी से आप कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये हो गया। उसके बाद लाइक हमें यहाँ पर ही पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है तो फिर से जाएंगे एडिट पे और एडिट से उसके बाद पेस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये फिर से पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे रहेगा ही, कट में होता था क्या, ये कट जाता था। और जैसे हमको इसे अंडो करना है, कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे, ये अंडो हो जाएगा। तो एडिट के ऑप्शन में आप अंडो सीख गए, कट सीख गए, कॉपी सीख गए, पेस्ट सीख गए, डिलीट देखिए, जैसे कोई भी चीज़ डिलीट करना है, ये बच्चों वाला खेल है, जैसे इसे डिलीट करना है, ठीक है, डिलीट करना है, लाइक हम इसे कर लेते हैं, डिलीट करना है तो इसे सिलेक्ट करेंगे, जितना आपको डिलीट करना होगा उसे आपको सिलेक्ट करना होगा, एडिट पे जाएंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। फिर इसे अंडो करना पड़े तो कंट्रोल प्लस चार से फिर इसे हम अंडो कर लेंगे, ठीक है। अगला स्टेप है, ये हम बाद में बताएंगे, फाइंड।
ये इसीलिए हमने बता रहे हैं ताकि, क्योंकि ये नेट से रिलेटेड है, ठीक है। आ गया है फाइंड। जैसे कि हमको कोई वर्ड या कोई लेटर फाइंड करना है, इसमें हमको लाइक सी फाइंड करना है, ठीक है। सी कहाँ कहाँ है वो फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमको जो वर्ड हमको टाइप करना होगा या जो लेटर हमको टाइप करना होगा, फाइंड करना होगा, उसे टाइप करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ही क्या था, सी, सी हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम सी टाइप करेंगे। सी टाइप कर लिए, यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट, देखिए इस पे क्लिक करेंगे। उससे पहले आपको यहाँ देखना होगा कि अगर आप ऊपर वाले, जैसे ये हो गया सी, इधर वाले आप फाइंड करना चाहते हैं या फिर इधर वाले फाइंड करना चाहते हैं, तो देखिए डाउन पे क्लिक है तो डाउन वाले मतलब नीचे आएंगे, ये जहां जहां है नीचे की ओर आता जाएगा। अगर यहाँ पे अप पे लगाते हैं ऊपर जहां जहां है वहां वहां इंडिकेट करता जाता, तो यहाँ पे डाउन पे है तो डाउन पे, ठीक है। चलिए फाइंड हम नेक्स्ट करते हैं, तो देखिए जहाँ सी है वहाँ पे फिर हमको ले जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे सी है तो यहाँ पे डायरेक्ट लेके जाएगा, देखिए यहाँ है, उसके बाद देखिए यहाँ है, उसके बाद यहाँ है, यहाँ है, तो फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ हमको ले जाएगा। इस प्रकार आप सर्च कर सकते हैं। अगला है फाइंड नेक्स्ट हो गया, फाइंड हो गया, फाइंड नेक्स्ट वही है, फाइंड नेक्स्ट वही है। देखिए फिर एडिट पे जाएंगे, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ चला गया। उसके बाद देखिए यहाँ फिर एडिट पे जाएंगे, फाइंड नेक्स्ट पे करेंगे तो फिर आगे ले जाएगा, जो कि आप देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं फाइंड प्रीवियस, फाइंड प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो फिर जैसे कि पहले वाला सी है, इससे पहले वाला कहाँ है, यहाँ है, देखिए ले जाएगा, ले गया। फिर जाएंगे फिर वहाँ से पीछे वाला दिखाएगा। इस प्रकार आप कोई भी वर्ड भी फाइंड कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, क्लिक, क्लिक बहुत सारे जगह है, क्लिक का हम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करें और जैसे हमको क्लिक सर्च करना है कि क्लिक कहाँ कहाँ है, क्लिक कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे हम क्लिक टाइप कर दिए, फाइंड करेंगे, ठीक है। और देखिए डाउन में है तो डाउन वाला दिखाएगा, नेक्स्ट करते चले, दिखाते चलेगा, दिखाते चलेगा, दिखाते चलेगा। इस प्रकार आप किसी भी वर्ड को या लेटर को फाइंड कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो ये भी रिप्लेस, रिप्लेस अगला स्टेप है। रिप्लेस जैसे क्लिक को हटा के दूसरे में हम बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ गए, जैसे जैसे हमको एफ को हटाना है, एफ को हटाना है जी से, क्लिक करेंगे एडिट पे, एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको रिप्लेस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एफ को हटाना है, एफ को हटाना है यहाँ जी से, एच से कर लेते हैं, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, सभी जगह का हट जाएगा। देखिए एफ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, देखिए एच हो जाएगा, देखिए हो गया एच एच। इस प्रकार आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगला है ऑल सेलेक्ट, ऑल सेलेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट, हम दूसरे पेज पे चलते हैं, दूसरे पेज पे चलते हैं। ऑल सेलेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे ये सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएगा। आप इसका शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हैं, लाइक कंट्रोल प्लस ए से भी ऑल सेलेक्ट होता है। आप देख सकते हैं सारे सेलेक्ट हो गया, तो एडिट में आपको इतने कुछ मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आपको जितना कुछ बताएं आप यहाँ से नोट कर ले, यहाँ से नोट कर ले। एडिट कहाँ गया, एडिट प्लस अंडो बताए थे, उसके बाद एडिट प्लस यहाँ कॉपी हो गया, आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं, एडिट प्लस कट ले लें, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, एडिट प्लस कट ले लें, ये सारे नोट कर ले आप, यहाँ से यहाँ तक का सारे नोट कर ले। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एडिट प्लस डिलीट आप इसे भी नोट कर लें, यहाँ पे इसे भी नोट कर लें। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे हम बताएंगे, अब हम चलेंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट पहले बताने से पहले हम आपको बता देते हैं, एडिट में लास्ट में छूटा हुआ है डेट एंड टाइम। जैसे कि ये हम कब डेट किस डेट में या किस समय में इसे हम टाइप कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ पे टाइम भी दे सकते हैं, इसके लिए आपको एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद टाइम एंड डेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइम एंड डेट आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ गया।
अभी का ये समय आ गया। या फिर आप देखिए यहाँ पे शॉर्टकट की है F5 है, ठीक है, फंक्शन की F5 है, आप F5 को भी प्रेस करके इसे हम डिलीट कर लेते हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। देखिए F5 को जैसे प्रेस करेंगे टाइम एंड डेट आ जाता है। तो एडिट के सारे कुछ आपको समझ में आ गए होंगे और यहाँ से आप नोट भी कर लिए होंगे, बारी बारी से सारे नोट भी कर लिए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट का आपको हम दे देते हैं यहाँ से फॉर्मेट। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, आप देखते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में ये वर्ड रेप होता है, रैप होता क्या है, दिखाते हैं आपको वर्ड रैप। जैसे कि यहाँ पे हम पहले वर्ड रैप को हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, कोई भी चीज़ हम टाइप करते हैं तो ये डायरेक्ट चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ये लाइन कट होके ये नीचे नहीं आएगा, देखिए कितना लंबा हो गया। यहाँ से इसको हम नीचे वाला पे हम इसे ड्रैग करके हम राइट लेफ्ट करते हैं, देखिए कितना लंबा हो गया, लंबा हो गया। जैसे हम वर्ड रैप, यहाँ पे वर्ड रैप पे क्लिक करेंगे ये कट के ये आ जाएगा। देखिए वर्ड रैप फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाने के बाद वर्ड रैप पे क्लिक करेंगे, आप देखिए ये आपको कहीं कटा कुटा नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाते हैं फॉर्मेट में फॉन्ट, जैसे कि इसका फॉन्ट चेंज करना है, लाइक हम इसे दूसरा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। फॉर्मेट में गए, फॉन्ट पे क्लिक किए, फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ओपन होगा, देखिए ओपन हो गया। कैलिबरी है ये फॉन्ट, उसके बाद बोल्ड है, और साइज आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसमें साइज में क्या होता है, आप जैसे इसे सेलेक्ट करके इसका साइज ओनली चेंज करना चाहेंगे तो ये नहीं होगा, नोटपैड में ऐसा एडवांस नहीं दिया हुआ है। सारे के सारे जितने भी इसमें एडिट किया हुआ है, नोट किया हुआ है ना, सारे के सारे सब चेंज हो जाते हैं। लाइक इसे हम इसका साइज 22 करते हैं, ठीक है, तो ये 22 हो जाएंगे। जैसे ओके करेंगे ये सारे के सारे छोटा हो जाएंगे, ना कि हम जिसको सेलेक्ट करेंगे वो होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर से जाके कर लेते हैं, वही कर लेते हैं, कितना था, 36 था, यहाँ से कर लिए, ओके किए, यहाँ से आ गया। आप यहाँ से अपने मन पसंदीदा यहाँ से फॉन्ट ले सकते हैं और इसका साइज ले सकते हैं, इटालिक करना चाहते हैं, रेगुलर ये सब करना चाहते हैं, बोल्ड इटालिक करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ओके करेंगे, बोल्ड इटालिक सारे के सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट का भी सारे कुछ सीख गए। अगला है व्यू का। व्यू में आप देख सकते हैं ये जूम इन जूम आउट वगैरह सब है, ये फालतू कुछ है। जैसे कि देखिए जूम पे गए, जूम इन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा, ये जो था नीचे में देख सकते हैं थोड़ा लग रहा है कि बड़ा हो गया, ठीक है ना। जूम आउट जैसे करेंगे, यहाँ देखिए 110 है, जैसे हम जूम आउट करेंगे ये 100 हो गया, मतलब थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा छोटा हो जाता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। स्टेटस बार पे दिखना चाहिए, यहाँ पे ये दिखना चाहिए, इस पे अगर आप टिक लगाते हैं तो ये वाला जो दिख रहा है ये दिखेगा, ठीक है। अगला है हेल्प। अगर आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं अबाउट नोट पैड तो आप यहाँ पे इंटरनेट से आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और यही था मेरे नोट पैड के बारे में। अगले वीडियो में हम आपको लेके आएंगे वर्ड पैड के बारे में। अगर आपको मेरे चैनल पे अच्छे लगे, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे वीडियो को लाइक करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर ले। मेरा चैनल टेक्निकल से रिलेटेड है और मेरे इस चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड की जाती है टेक्निकल से ही की जाती हैं, और मैं कंप्यूटर का फ्री में नॉलेज देना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों से पैसा लिया जाता है गाँव घर में। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा पैसा खर्चा करें, मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल के माध्यम से फ्री में आप कुछ सीख सके, ठीक है।